यानी हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक, जिसमें आप 20 फीट दूर दीवार पर देख सको। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आंखों की थकावट के कारण आपके दिमाग में स्ट्रेस पड़ता है। 20 सेकंड के माइक्रो ब्रेक्स आपके दिमाग में क्यूम्युलेटिव स्ट्रेस नहीं होने देते और आपके सीखने की स्पीड और याद रखने की क्षमता में भी इजाफा होता है। दूसरी बात, शूट द बिग पिक्चर। दिमाग कहता है कि मुझे बड़ी पिक्चर दिखाया करो, जिससे मैं हर दिन अच्छी बातों को याद रख पाऊँ। जब आपके दिमाग में 75% समय पॉजिटिव विचार रहते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर होने लगती है। 75% टिपिंग पॉइंट है। आप नेगेटिविटी छोड़कर अच्छी बातों को याद रखते हैं। आप नई स्किल सीखने लगते हैं, पुराने दर्द, शिकायतें, डर पीछे छोड़ने लगते हैं। अगली बात, दिमाग कहता है कि जब घटनाओं या गलतियों के बारे में सोचते हो तो उनसे थर्ड पर्सन में यानी नाम लेकर बात किया करो। जब आप ऐसा करते हो तो विचारों और खुद में दूरी बना लेते हो। इस स्थिति में गुस्से, डर, फ्रस्ट्रेशन और दर्द को हैंडल करना सरल हो जाता है। अगली बात, दिमाग कहता है कि सीखने और बदलने की क्षमता मुझ में कहीं ज्यादा है। 5 से 10 मिनट की रेगुलर प्रैक्टिसेस भी दिमाग में बदलाव पैदा कर सकती है। अगली बात है वाइब्रेंट डाइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ दिमाग को ताजे फल, सब्जी और स्प्राउट्स चाहिए। हर दिन करीबन 400 ग्राम। इससे आप तरोताजा और एक्टिव महसूस करते हैं। जो लोग कम्युनिटी या सोशल सर्विस में भाग लेते हैं या किसी तरह लोगों से जुड़े रहते हैं, उन लोगों में दिमाग और याददाश्त बेहतर रहते हैं। इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार दोस्तों से जरूर मिला करो। दिमाग थोड़े समय काम करता है, इसलिए इसे अच्छी नींद की जरूरत है। अगर ये मेंटेनेंस का काम ना किया जाए तो सेल्फ कंट्रोल, मेमोरी और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी देखने समझने की क्षमता में भारी गिरावट आती है। इसके साथ साथ दिमाग आपसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हफ्ते के 5 दिन कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज किया करो। साथ में मुस्कुराते रहा करो, इससे मुझे अच्छे हार्मोन रिलीज करने में आसानी होती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ध्यान, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जरूर किया करो। दोस्तों